कल्याण में लगी हुई है। हाँ अभी हमें उसको किसको हमारे प्रोजेक्ट वाला व्यक्ति ऐसा मिले जो उनके वर्क को सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के रूप में, मैंने कहा यार आपको सारा इतना सारा सारे काम करने की क्या जरूरत पड़ती है, हम जो जो भी वहां जा नहीं पाए, वहां जाते तो हम इसको पहले वर्किंग में लाते कि भाई एक्चुअली इनको एक सेक्रेटरीट कैसे दिया जाए जिससे के माध्यम से, और सबको जिम्मेदार कैसे बनाया जाए। देखो बेसिकली यदि हर कोई अपना सेक्रेटरीट चला के उसको एक पैरेलल मॉडल क्रिएट करेगा तो प्रॉब्लम होगी। वो जो सेवा कर रही है जिसने लोगों काम कर रही है उनकी रेवेन्यू के लिए हमेशा वो परेशानी रहती है। नहीं, देखो यदि अपन अल्टीमेटली इसमें लाभ का सौदा है कि नहीं है, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू जो है इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, नंबर टू। नंबर थ्री, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनकी कोडल फॉर्मेलिटी क्या है, नंबर थ्री। नंबर फोर, जो आउटपुट है, अब आउट इट इज नॉट दैट कि आउटपुट जो है ना अपर्याप्त है, उस आउटपुट के लिए उनको वैल्यू नहीं मिल रही है, राइट। वैल्यू जो है ना, व्हेन आउटपुट इज बीइंग सेंट एज ए रॉ मटेरियल एंड देन व्हेन आउटपुट इज बीइंग सेंट एज ए प्रोसेस्ड मटेरियल, राइट। तो जहां प्रोसेसिंग का स्कोप है वहां पे हमें एफपीओ के तहत प्रोसेसिंग वहां बनाना चाहिए, जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है और उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो हमने ध्यान से अभी उसको रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस को भी आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब हमारे इस काम में मदद करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं वो भी उस डॉक्यूमेंट में है, राइट। तो उन डॉक्यूमेंट उन इंस्टीट्यूट से बात करके उनके रिसोर्सेज का हाउ वी कैन यूटिलाइज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लार्जर आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज है, राइट। एंड देन जो है इसको सीएफबी मैकेनिज्म से अपन सीएफबी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करते हुए हम इसको सीधे जो है क्वालिटी कंट्रोल करते हुए और पैकेज करते हुए कंज्यूमर तक पहुंचाएं। यदि ये सब चीजें करेंगे तो जो ये बीच की जितनी भी नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी जो है वो विलुप्त हो जाएगी। अभी देखिए चारों तरफ जो है हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम नेगेटिविटी से प्रताड़ित हैं। जैसे हम उस बात को कई बार रिपीट करते हैं कि देखिए उस समय के जो भी हालात रहे हैं, हमने केमिकल ओवरडोज का यूज किया है एग्रीकल्चर के लिए, राइट। अभी लीना जी बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह रही हैं कि हम उसको कम कर सकते हैं और यही सीएफबी की सोच भी है। सीएफबी तो इसको तीन पार्ट में बांट रहा है। पहला पार्ट उसका है कि हम फार्म से जो है ना केमिकल्स को कैसे विलुप्त करें, फिर दूसरा उसका पार्ट है कि किचन और बाथरूम से आपका जो है ना केमिकल्स को कैसे विलुप्त करें, और फिर तीसरा पार्ट उसका जो है जो सौंदर्य प्रसाधन है उससे भी केमिकल्स को हम कैसे विलुप्त करें। कि जो हमारे नेचुरल सौंदर्य प्रसाधन है उसमें ऑटोमेटिक चीजें भी हैं, नर्चरिंग चीजें भी हैं, स्किन की लॉन्गिटिविटी भी बढ़ेगी, स्किन का ग्लेस भी बढ़ेगा और वो ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं होगी। अभी सारी महिलाएं जो इतना सारा मेकअप थोपती हैं, यदि उनके पति देव उनको बिना मेकअप के देख लें तो वो डर जाएंगे। मतलब इतनी भयावह स्थिति जो है निर्मित होती जा रही है और आप ये देखिए जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनके यहाँ लाइन बढ़ती जा रही है। सो इट इज कॉजिंग मेनी डिसीजेज ऑल्सो, राइट। तो हम एक नेगेटिव लूप में फंस गए हैं। अब सवाल ये है कि हर कोई अपने ज्ञान को नीचे ना उतारे, राइट। हमारा ये क्या कहना है कि जितने भी तपस्वी हैं, जैसे चाहे उसमें लीना गुप्ता हो और भी ढेर सारे तपस्वी हैं, हम उनकी सूची बनाएं, राइट। हम उनके ज्ञान को समझें और फिर सीएफबी मॉडल में उसे प्रो दें और सीएफबी मॉडल उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि ज्ञान के रूप में यदि आप बांटेंगे तो ज्ञान की गहरता है, फिर उसको ग्राउंड पर उतारने की स्थिति है। क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान को आप असिमुलेट कर रहे हो उसको आप ज्ञान के रूप में नहीं बांट रहे हो, उसको स्किल डेवलपमेंट के रूप में बांट रहे हो। इसका मतलब है कि हमें स्किल डेवलपमेंट के पैकेज बनाना पड़ेंगे, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन 3 महीने, व्हाटएवर, राइट, डिपेंडिंग अपॉन। और उसमें फालतू की चीजों की लोडिंग नहीं की जाएगी। मतलब जैसे अज्यूम करिए कि साहब जो है ना वैल्यू भी डालने, वैल्यू को करने के लिए अपने पास और ढेर सारे मॉड्यूल्स है ना, या देयर कैन बी ए फोकस्ड जो है वैल्यू डेवलपमेंट मॉड्यूल, राइट।
तो आदमी जो है ना उसको वैल्यू ही बस सिखाई जाना है, इस मोड से आएगा तो वो उस बात को बड़े ध्यान से ग्राह्य करेगा। अब देखो हम सब लोगों की लिविंग जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत मॉडिफाई हो गई है और हम सब लोग जो है वो टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाने लगे हैं, जबकि जो फिजिकल पोस्चर है वो इसको इट इज नॉन साइंटिफिक, राइट। तो कायदे से हमें फर्नीचर वालों को कांटेक्ट में लाना चाहिए कि हाउ दे कैन क्रिएट ए बेस्ट फर्नीचर सो दैट हम लो हाइट पे बैठ के पटा टाइप का और उससे ऊपर जो है आपकी थाली लगे ऐसी व्यवस्था लेके आए, उसमें उसमें डेकोरम लाएं, उसमें ग्रेस लाएं, उसमें वो क्रिएटिविटी लाएं कि उससे आपका ड्राइंग रूम अच्छा भी दिखे। मतलब हमें हमें जो है ना अकेला ज्ञान बांटेंगे तो काम नहीं चलेगा। बराबर। मतलब जैसे जूम करिए कि यदि हमें कहते हैं कि टेबल कुर्सी पे बैठ के या बुफे के रूप में खड़े होके खाना साइंटिफिक नहीं है और आपके शरीर के लिए लाभकारी नहीं है यदि हमें मानते हैं तो, राइट। तो हम सामने वाले को ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, ज्ञान देने की बजाय हम फर्नीचर्स वालों से ऐसे एडिशनल ऑप्शंस क्रिएट करा दें। मतलब वो टेबल बड़ी टेबल चाहिए वो बड़ी ले ले, लेकिन जैसे आज मुझे सुबह सुबह एक विचार आया, मेरे पास किसी का फोन आया कि भद्रता के अंदर जो है हमारे एक मित्र गुलियानी, तो वो जो है रेंट पे दे रहे हैं अपने फार्म हाउस तो होटल वगैरह के लिए। मेरे को एकदम स्ट्राइक किया कि यार यहाँ इतने सारे होटल बने हुए, हमारे जो संजीव सक्सेना वो कल तो नहीं थे यहाँ पे भोपाल में, उन्होंने जो है वो सब अपने जॉब छोड़ के और वो फॉरेस्ट में चले गए और फॉरेस्ट फूड का जो है उन्होंने सेंटर बनाए, तीन चार जगह उनके आदिवासियों के साथ काम करके वो फॉरेस्ट फूड सेंटर बनाए उन्होंने, और वो उसके ऊपर अब वो चूंकि आईटी के बंदे हैं तो कुछ और भी कर रहे होंगे। तो मैंने कहा यार यहाँ एक्चुअली एक फॉरेस्ट फूड सेंटर के रूप में यहाँ अगर अच्छा, बन रहा है। आप आपको एक हम काम सौंपे गोविंद जी, जी आप ऐसे महान आत्माओं का जिन्होंने काम किया है उनकी एक सूची बनाओ जी और उनके नाम नंबर और ईमेल के साथ हमको दो और फिर हम उनसे सेशन जो है ज्वाइंटली भी करें, मेथोलॉजी को समझे। मेरा ये सोचना है कि एक होता है ज्ञान को समझना और एक होता है उसको प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करके ग्राउंड पे उतार दें। तो मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि ये जो है ये संभव नहीं है कि आप हर किसी को ज्ञान दें और उसके अंदर ये कैपेसिटी हो के उस ज्ञान को वो टू द पॉइंट लेके और जमीन पे उतार दे, राइट। क्योंकि उसको ये क्षमता नहीं होती, तो उस क्षमता के ना होने के कारण ज्ञान को जो है ना अच्छे ढंग से नीचे नहीं उतार पाएगा। बराबर। और ज्ञान को अच्छे ढंग से नीचे नहीं उतारेगा और उसके उसको लाभ नहीं मिलेंगे तो वो जो है ना ज्ञान को दोष दे, नंबर वन। अच्छा, आपने उसको प्रोडक्शन में भी ला दिया, अब उसको प्रोड्यूस को आप बेच नहीं पा रहे हो, राइट। प्रोडक्ट को जो है ना आप कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसके कारण जो है आपका आपके पास ही वो चीज सड़ गई, राइट। तो आपने दोष किसको दिया, ज्ञान को। अब इसमें ज्ञान का दोष नहीं है ना। तो हमारा सोचना ये है कि जितने भी है उन ज्ञानी लोगों को एक साथ लाके सेलिब्रेट करके जो सीएफबी ने एक होलिस्टिक मैकेनिज्म सोची हुई है उसका उपयोग किया जाए। और इस जो होलिस्टिक मैकेनिज्म का एक बहुत बड़ा जो चीज समझने की बात है कि हमने नेचर के अबंडेंस मॉडल को उतारने की कोशिश की है। देखो एक चीज तो आप मानेंगे कि नेचर में हर चीज अबंडेंस में है, राइट। और उस अबंडेंस को हमने कहीं ना कहीं उसका गला घोटा है, राइट। अभी जो है लोगों को काम नहीं है, राइट जी, लोगों को बेरोजगार है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। अरे जमीन पे तो बहुत सारे काम है, आपको पेड़ लगाने से कौन रुक रहा है, राइट। तो जमीन पड़ी हुई है, बंज वो हो रही है जिसको अब जो है ना कल वो हमारे सोनी साहब जो है ना काफी एजिटेटेड फील कर रहे थे। देखो जब तक हम अपने दोष को नहीं मानेंगे, ये तो एक हकीकत है कि जो डिपार्टमेंट जिस जिम्मेवारी में है उसी को वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्टिविटी को प्रेशर दे रहा है और छोटे गेन के लिए जी। इसमें जो है ना किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है और किसी को सेंसिटिव होने की जरूरत भी नहीं। यदि हम से जंगल को काट रहे हैं, जूम करिए, तो हम जंगल को काट के डिफोरेस्टेशन ही कर रहे हैं ना। चाहे आप ये कह रहे हो कि साहब उसकी एज हो गई है तो वो डीके होकर जमीन में गिर जाएगा, राइट।
लेकिन आप इस तथ्य को तो अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि वो आप काट के डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, राइट। अब हम इसको उल्टे ढंग से ले लें, हम कहें कि हम पेड़ को नहीं काटेंगे, हम पेड़ की सिर्फ जो है ना डगालों को काटेंगे, राइट, और पेड़ को हम ऊपर जाने देंगे, राइट। तो नीचे जो है सफिशियंट सन के लिए और जमीन के लिए स्पेस निकल आ जाएगा, हम उस स्पेस में जो है ना प्लांट डाल सकते हैं, राइट। देन जो है वी वुड बी इन पोजिशन कि हमारी जड़ें भी गहरी जाएंगी, हमारा वाटर जो है जमीन पे और तेजी से जा सकेगा, क्योंकि पेड़ तो जो एक नेचुरल प्रोसेस है, यदि उसका वेट ऊपर जाएगा तो उसकी अपनी नेचुरल क्षमता जो है ना जड़ों को नीचे ले जाएगी, जिससे वो पेड़ के वजन को संभाल पाए, राइट। तो यदि आपने ज्यूम करिए कि डगाले काट के पेड़ को ऊंचा कर दिया, ठीक है ना, तो उसका नेचुरल कंसिक्वेंस पेड़ के लिए क्या होगा, ये उसकी जड़ें गहरी हो जाएंगी, राइट। दूसरा जो है ना एनवायरमेंट क्या मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ जो है ना रोशनी के लिए पर्याप्त जगह होगी, इसका मतलब है कि नीचे पर्याप्त सनलाइट होगी, जिसके नीचे आप वेजिटेशन भी कर पाएंगे और आप वो कर सकते हैं। तो हम मल्टी लेयर्ड जो है विद हायर डेंसिटी वी कैन गो फॉर द फ्रूट्स, ये मॉडल के लिए कोई काम नहीं कर रहा है ना। आप जो है उस ज्ञान को बघारने की कोशिश कर रहे हो जो कि दूषित ज्ञान है। हम अच्छे ज्ञान को जमीन पर उतारने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, वो आज मिलने आने वाले हैं हमसे, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहे हैं, इज कमिंग टूडे, ही इज बेस्ड आउट इन सतना, और उन्होंने 5 tier फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। बल्कि वो कह रहे थे कि साहब अभी चूंकि उसको समय कम हुआ है तो वो थोड़ा सा उसका गेस्टेशन हो जाए, तब फिर वो मुझे दिखाने के लिए लाना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि हम प्रोडक्टिविटी को लाएं। तो ये बताइए, यदि सभी श्रम जो है ना नेचर नेचर ने जो है ना जो चीज, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे सूर्य की रोशनी हो, चाहे उससे वेजिटेशन हो, और आदमी अपनी जो है ना श्रम भी उसमें लगा रहा है, तो ये प्रोडक्टिविटी कहाँ जाएगी, ये जो है ना जीडीपी में नहीं कन्वर्ट होगी। बिल्कुल तो ये बात हम, और हम जो है ना कहाँ पे लग जाते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, राइट। आप जो पैसा क्या है, ये करेंसी है, राइट। इस करेंसी को हमने काउंटर करने के लिए वॉलेट का सिस्टम निकाला। वॉलेट का सिस्टम ऑलरेडी इन वोग है, राइट, कोई आप नई चीज बात नहीं कर रहे हैं। गूगल का वॉलेट है, एयरटेल का है, इसका है, उसका है, 50 वॉलेट ऑलरेडी है, राइट। अब आपको क्या ध्यान करना है कि चूंकि आप श्रम करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब है जब आउटपुट है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट को तो असिमुलेट करना आपके लिए आसान काम होना चाहिए, क्योंकि आप निकम्मे आइडल होकर बैठ के जो है ना उसकी कॉस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट इज बीइंग क्रिएटेड बाय जनरेशन ऑफ एसेट्स, जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, जनरेशन ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो अब उस कॉस्ट को, जब तक वो कॉस्ट कॉस्ट नहीं है, जब तक आप उसकी, यदि आप उसको डिफरेंशियली लोड कर दें, राइट, जैसे कॉस्ट क्रिएट हुई और हमने उसको 1 MSP+ अकाउंट में लोड कर दिया, तो इट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द कंज्यूमर साइड। इसका मतलब हमने इस पूरे प्रोसेस में कॉस्ट असाइन अलोकेशन, हमने एक कॉस्ट कहाँ हो रही है और कॉस्ट हम कहाँ अलोकेट कर रहे हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी हम ले आए, करेक्ट जी। मतलब बीइंग इंजीनियर यू कैन अंडरस्टैंड कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इस सिस्टम से आ गई, राइट, बराबर। अब दूसरी चीज आपने ये कही कि यदि आपका, हमने एक इको सिस्टम क्रिएट कर दिया जो आपके वॉलेट पॉइंट से ही काम चला देगा, राइट। तो और यदि, और वो जो है ना वॉलेट आपकी, जहां पे आपका इको सिस्टम नहीं है उसके बैकएंड पे वो पेमेंट आपका मनी में कर रहा है, राइट, और आपको महसूस भी नहीं हो रहा है, वो केवल आपको एक चीज से रोक रहा है कि जिस पैसे की आपको जरूरत नहीं है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में मनी में मत कन्वर्ट, ठीक है ना। तो उसको मनी में ना कन्वर्ट करने के कारण हमें पैसे की आवश्यकता उतनी कम हो जाएगी, राइट, और आपके रिवार्ड पॉइंट्स को हम जो है बैंक के 1% से ज्यादा जो है ना ग्रो कर रहे हैं, तो आपका पैसा तो ग्रो कर रहा है, बराबर। आप, हमें जो पैसा चाहिए वो हम आपकी ताकत से निकाल रहे हैं, जैसे जैसे आपकी ताकत क्या है, अज्यूम करिए कि सभी इंडस्ट्रीज हमारी पार्टनर है, राइट जी। तो जो ज्वाइंट वेंचर के तहत से 20% जो है प्रॉफिट के लिए सीएफबी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ठीक है ना, जी। तो दैट विल बिकम ए ह्यूज मनी। नाउ
जिसकी जो ताकत है वो हर कोई अपने बैंक में अपनी एक जो लिमिट होती है करंट अकाउंट की वो क्रिएट करेगा, राइट। नाउ चूंकि सब चीजें बहुत जोर से क्रिएट हो रही हैं, तो उसका इंटरेस्ट देना इज नॉट ए बिग थिंग, क्योंकि अपन उससे ज्यादा पैसा क्रिएट कर पाए, राइट। क्योंकि आप जो है ना इसको कोई वेस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आपका श्रम जाके प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जाके लग रहा है, राइट। तो आप जो है बहुत आसानी से उसका जो है इंटरेस्ट, और उसके ऊपर अपन ने कहा कि हम 2%, बल्कि हम 5% भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 5% इज गोइंग टू सेटल योर कॉस्ट, राइट। कॉस्ट अकाउंट में जा रहा है वो, तो वो प्रॉफिट अकाउंट में नहीं जा रहा है, तो आपकी कॉस्ट को सेटल करने के वो काम आएगा, तो उसको इनकम क्रिएट हो रही है। और एट द सेम टाइम सीएफबी को जो रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स जो सीड मनी वो प्लेंटी में हो रही है। यदि रिज्यूम करिए कि आपकी जो है से 2 करोड़ रुपए आपकी लिमिट है, राइट। अब हमने इसको सिग्मा गोविंद कर दिया, तो वो लिमिट हो गई 1000 करोड़, राइट। नाउ दिस लिमिट विल नॉट बी यूज टिल इट इज रिक्वायर्ड, मतलब वो रियल टाइम बेसिस में आप तब पैसा लेगा जब बैक एंड में उसे मनी को ट्रांसफर करना, राइट। और जैसे ही उसके पास, अच्छा, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे जा रहा है, तो कंज्यूमर तो उसके लिए पैसा पैस दे रहा है ना, तो आपके अकाउंट में पैसा ज्यादा आएगा, आपके अकाउंट से पैसा कम निकलेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि उसमें इतना पैसे का अकुमुलेशन होगा कि हम विश्व का सबसे बड़ा R&D हब बना पाएंगे। बिल्कुल सही बात। मतलब किसी को देखिए, अब क्या ये चीजें छोटे स्केल पे संभव है क्या? नहीं संभव, नहीं संभव। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द हम सबकी सामर्थ्य उसमें जुड़ती जा रही है, और जो सामर्थ्य रोज बढ़ रही है जी। जैसे अज्यूम करिए किसान है, उसके पास अभी एसेट पॉइंट उसके किसान के खेत के हैं, राइट। अब उसमें हमने 1 लाख प्लांट लगा दिए, राइट। अब यदि एक प्लांट उसमें अपन माने कि 100 रुपए का है, तो 1 करोड़ की उसकी एसेट वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो किसान की सामर्थ्य बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बिल्कुल। अब उस किसान की जो क्रेडिट लिमिट है, यदि हम उस चीज को जो है डॉक्यूमेंटेशन करके बैंक से, यदि हम किसान को यदि हम क्रेडिट लिमिट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस वैल्यू के अगेंस्ट जो क्रेडिट लिमिट होगी वो हाइपोथेटिकली अवेलेबल है एज ए एश्योरेंस कि जब हमें पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा जी। सामने वाले को यदि ये एश्योरेंस है कि आपके क्लिक ऑफ बटन पे हमारे काम हो जाएंगे, तो फिर उसको कोई चिंता नहीं रहेगी। सही बात है। अच्छा, अल्टीमेटली ये पैसा जो है, जो भी पैसा कहीं भी जा रहा है, उस पैसे को तो हम खा नहीं रहे जी। पैसा इज नॉट यूजेबल बेसिकली देखा जाए, राइट। अनलेस इट इज चेंजिंग इज सेम, यदि वो फल में बदल गया तो फल खाने योग्य है, यदि वो अनाज में बदल गया तो अनाज खाने योग्य है, यदि वो शहद में बदल गया तो शहद खाने योग्य, यदि उसे घी में बदल गया तो घी खाने योग्य है, लेकिन पैसा का अपने सेहत में कोई यूज नहीं है। तो जो आप चीज क्रिएट कर रहे हो वो तो अवेयरनेस में। अच्छा, दूसरी बात है कि वो चीज ऐसी होगी जो आज के जहर से हटके वो अमृत तुल्य होगी। आज तो आपका जो हर चीज जो आप खा रहे हैं वो मेजोरिटी ऑफ देम वो जहर तुल्य है। आप जो है ना रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, जहर तुल्य है। आप जो है शक्कर खा रहे हैं, जहर तुल्य है। आप गुड़ गुड़ क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? अल्टीमेटली गुड़ जो है को हम क्रश करके वी कैन मेक लाइक ए शुगर, वो उसको बटी के फॉर्म में क्यों रहना? इज इट मेकिंग सेंस? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हम उसमें जैसे ज्यूम करिए कि जब हम गुड़ खा रहे हैं तो वी कैन हैव द गुड़ फॉर समर और विंटर, राइट। तो हम उसमें वो मेडिसिनल चीजें भी डाल सकते हैं जिसको अदरवाइज आदमी को कंज्यूम करने में जो है ना आलस आए, राइट। वो नेचुरल कोर्स में हमारे उसमें चली जाएंगी। ये मैं अभी कल ही कोई वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो वीडियो देख के। मैं ऐसे वीडियो बहुत जनरली देखता भी हूँ और उसे अपने कम्युनिटी में अपलोड भी करता हूँ। आपने क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं, किया है। तो अपने सभी लोगों को कहो कि उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत सारी कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन भी उसमें अपलोड करते हैं। हम तो बस इस तरह से हमें देख रहे हैं कि हम उनको जो है वास्तव में जो करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास गो भक्त लोग हैं। देखिए, मेरा ये कहना, देखो गोविंद जी बड़े ध्यान से, यदि अपन लीना जी को देखेंगे अकेला तो लीना जी अकेली कहलाएगा,
राइट, हाँ बराबर हम ये कह रहे हैं कि लेट्स मेक द लिस्ट ऑफ ऑल पीपल दोज आर डूइंग द सिमिलर वर्क, राइट, फिर उनसे कहा जाए कि वो अपने काम का प्रेजेंटेशन करें, राइट हम उनको बिलीव करेंगे प्रेजेंटेशन कैसा करना है, राइट उस प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड में जाएगा, राइट उसको हमारी टीम और हम सब लोग मिलके कैसे सर्विस और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, और जो ज्ञान है उसको स्किल में कैसे कन्वर्ट करें। ज्ञान हमको ज्ञान के फॉर्मेट में नहीं देंगे, नंबर वन। नंबर टू, मेरा ये मानना है कि हमने इतनी नेगेटिविटीज कर दी है कि अधिकांश लोगों की जो इवन वर्कर्स क्लास जिसको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उसके बदन में उतनी एनर्जी नहीं रह गई है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करे। क्योंकि वो जो है ना दारू पीने लग गया है, वो हेल्दी कोई चीज नहीं खा रहा है। नहीं, वो हमारे लिए हमारे सरकार के रिवेन्यू के मेन सोर्स हो गए, तो उनको वो प्रमोट भी करती है सरकार। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपने रेवेन्यू के सोर्स बने, अपने हेल्थ के सोर्स बने, अपने वेलफेयर के सोर्स बने, अपने स्वास्थ्य के सोर्स बने, हम सरकार की रेवेन्यू के सोर्स क्यों बने। हाँ सही बात है, हमें तो बहुत बड़ा मूवमेंट है वो भी अपने आप में। नहीं, यदि हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में यदि लाएंगे जी, तो हमें उसे परोसने में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, तो हमें जो है आई डोंट नो आप मैं कितना समझा पाया, क्योंकि अल्टीमेट नहीं मैंने समझ लिया पूरा। मैं तो इसको देख रहा हूँ कि वर्किंग में लाने के लिए हमारे पास जो लोग हैं वो कैसे डेडिकेटेडली इसमें, क्योंकि बेसिकली अपने सुधार के लिए हम आए हैं। एक चीज तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो हम क्लेम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा क्लेम है किसी ह्यूमन बीइंग को ऐसा क्लेम करने का। हम तो ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं पर कुछ देखिए, किसी ह्यूमन बीइंग को ये क्लेम करने का हक नहीं है, वो सिर्फ क्लेम भगवान को करने का हक है। जी, आप क्या कह रहे हैं कि वी विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस नेशन, ये बात तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं कह पा रहे हैं। जी, कह पा रहे हैं क्या? नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ये तब होगा जब हम सभी लोगों की तपस्याओं को खोजेंगे और तपस्याओं के ज्ञान को, जो सोनी जी जैसा कर रहे थे, वो ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि हम अपने हृदय को थीदंग से नहीं थतोलेंगे तो हम फाल्स ईगो में रह जाएंगे। बराबर, यदि हम ही कहते हैं कि नहीं हम तो साहब बड़े वो हैं, तो बताइए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है ग्राउंड पे, तो आपकी देश की हालत बदल जाना चाहिए। देश की हालत तो नहीं बदली, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गलत है ना। बिल्कुल, तो हम अपने नेगेटिव पॉजिटिव को जो है ना ऑन करने की बजाय लेट्स से दैट कि हमारे पास क्या पॉजिटिव है जो कि सिस्टम में इंटीग्रेट हो सकता है। एंड द सिस्टम जो कह रहा है कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, क्योंकि सिस्टम ने अपने डूज एंड डोंट बना के रखे हैं। उसमें एक डूज और डोंट ये भी है कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम जो विशेष व्यक्ति से काम कराना है उसको स्किल बांटेंगे, नंबर वन। दूसरा हमारा कहना ये है कि उस काम को वो बिना किसी ज्यादा मेहनत के कर सके, इसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट टूल्स बनाए जाएं। जब इसराइल जो है ना 2500 चीजों को कर सकता है, हमारे इतने बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, हम उससे ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बिल्कुल, और जो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है हम उसको एज इट इज ग्राह्य ना करें, हम उसको अपनी कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करें, तो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, राइट, बल्कि हमारा नया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि हम उसने उसको मॉडिफाई किया है तो हमारा इंटेलेक्चुअल कहलाएगा, तो हमारा आईपीआर होगा, नंबर वन। नंबर टू, इट विल बी वेरी वेल सुटेड फॉर द इंडियन कंडीशन, इंडियन साइड, इंडियन वे ऑफ बिहेवियर। तो इस चीज में बहुत तपस्वी लोग हैं गोविंद जी, केवल जरूरत इस बात की है कि तपस्वी जुड़े, अपने ईगो को छोड़े और वो इंडिविजुअली उसे ट्रांसफर करने की बात। देखो जैसे मैथिलीशरण गुप्त के किसी के पास जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम टीम बनाते हैं, हमारे जो है सीएफपी डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी के तहत पे जाएंगे, उनको पूरा मटेरियल दिया जाएगा, वो वन टू वन बात करेंगे, वन टू वन लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वन टू वन इन्फोर्स करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो कि एमएसपी के बराबर प्राइस नहीं दे रहे हो और कंज्यूमर जो है ना 2-3 गुना एमएसपी पे खरीद रहा है, राइट। अब हम दोनों तरफ असुरक्षित हैं, एक तो असुरक्षित देना है किसान को कि हम 1 MSP के नीचे आपके जो है ना चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, और हम कंज्यूमर से कह रहे हैं कि आपको भी 2 MSP से नीचे, ठीक है ना। अच्छा, यदि कंज्यूमर उस क्लास को बिलोंग करता है कि उसको कोई सब्सिडी ले ले रहा है और 1 रुपए में चावल खरीद रहा है, तो सीएफबी की पॉलिसी है कि यदि आप हमारे हिस्से हैं और हम आपको मिनिमम इनकम परचेजिंग पावर अश्योर कर रहे हैं, तो जितनी आप सब्सिडी ले लेंगे हम उतना अमाउंट आपके उससे डिडक्ट करते हैं।
तो इसमें एक सोच ये है कि कंजन हमारे साइड रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, कंजन वो दूसरी जगह से करेगा, ठीक है ना, और वो घटिया चीज लेगा, वो विषुक्त चीज लेगा। तो कंजम्पशन हमारे तरफ होगा, शासन की हम सब्सिडी बचा पाएंगे, पर हम शासन को परसुएट कर सकते हैं, भैया कि तुम इतना अमाउंट सब्सिडी में देते हो, जब हमने आपकी सभी समस्याएं ले ली और आपको सिर्फ जो है धन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों के लिए मिल रहा है, तो जो आपकी सब्सिडी वाला अमाउंट है वो आप सीएफबी के लिए सीड मनी के बतौर यूज करो, जी एश्योरेंस, राइट, आपसे पैसा नहीं चाह रहे, आई एम सेइंग लेट इट बिकम द सीड मनी विच विल बी एज एन वैन, जो है हमारा जो वॉलेट को पैसे की जरूरत है तो वो सीड मनी का हम यूज कर लेंगे और सीड मनी को आपको वापस भी कर। तो हमारा सिस्टम की वायबिलिटी बन जाएगी, बिल्कुल। तो इसको अपन टॉप को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, एक तो जैसे हम सब लोगों की सूची बना लें, ठीक है ना, तो आपके पास 10 लोग हों, 20 लोग हों, 100 लोग हों, जो भी हों, अपन लिबरली उनकी सूची बनाए, राइट, फिर उनसे कहें कि वो जो उन्होंने काम किया है, कहीं उन्होंने मॉडल भी जमीन पर उतारे हैं, उन मॉडल्स को जो है वो उसका प्रेजेंटेशन बनाए, एक डायमेंशन को कहें उसकी छोटी सी क्लिप दिखाएं, तो दूसरी बात करें फिर उसकी छोटी सी क्लिप दिखाएं, इस तरीके अपन टीम में इट विल कम ऑन रिकॉर्ड दैट विल बिकम द एनर्जी फॉर मेनी मोर पीपल, राइट, जो सीएफपी से जुड़े जितने लोग होंगे उनके पास वो वीडियो पहुंचेगा, कुछ लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगा, जिसके लिए उपयोगी होगा वो बड़े ध्यान से देखेगा उसको, इसलिए हम उसमें हर में कह रहे हैं कि कृपया अपनी भूमिका तलाश है, आप इसको ज्ञान वर्धन के लिए मत देखो, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप जो है बगल में सरदार भगत सिंह को तलाश मत करिए, पड़ोसी के घर में खुद सरदार भगत सिंह बनिए और अपने बच्चों को भी सरदार भगत सिंह बनाइए, यदि हम खुद डूअर बन जाएंगे तो जमीन पर उतरना उतरना असंभव है वो, सही बात। और सीएफबी का दूसरा मंत्र ये भी है कि हम रेसिडुअल एनर्जी से काम नहीं करेंगे, क्योंकि रेसिडुअल एनर्जी से किसी भी देश का फेस नहीं बदल सकता है, तो आप ये कहें कि साहब मेरा मुख्य काम तो ये है, हम आप एक घंटे आपको दे देंगे, हमारे पास तो एक घंटा ही है, तो एक घंटे से काम नहीं चलेगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास बचे हुए टाइम क्यों नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग सम सर्टेन एक्टिविटी, तो हम आपके आपको यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देंगे तो वो एक्टिविटी आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और चूंकि आपकी एनर्जी प्रोडक्टिव उसमें जा रही है, तो जो प्रोडक्टिव चीज क्रिएट हो रही है उसके बदले में आपको रेवेन्यू स्ट्रीम देने में हमें क्यों दिक्कत होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, जब आपको इतनी रेवेन्यू मिलेगी, जैसे अज्यूम करिए एक व्यक्ति जो 40,000 कमा रहा है और वो आपके मॉडल से उसे 1,00,000 रुपए मिल रहा है, तो 40,000 का काम में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करना चाहेगा, तो हमें इस ढंग से इसको उतारना, हमें जो है नंबर वन हाउ टू असिमुलेट नॉलेज, नंबर वन, नंबर टू हाउ इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सीएफबी मेथोडोलॉजी, देन हाउ देन वी विल बी आइडेंटिफाइंग के कौन काम करेगा, तो जो आप कह रहे हैं कि गांव में रोजगार के जो है वो ही नहीं है, तो उन सबको ट्रेनिंग करो, वो शहर में क्यों आए, शहर में आके स्लम एरिया में क्यों रहे, जहां उनको ना पानी मिल रही है ठीक ढंग से, ना बिजली मिल रही है, जो भी वो कर रहे हैं वो चोरी चकारी कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होने वाला, वो तो इंसान तो बने बने बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते हैं क्या, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि भाई वो जो है इनके बारे अर्निंग की सोचते नहीं, दैट इज द ओनली एंटरटेनमेंट अवेलेबल टू देम, तो वो आनंद का वही यदि विषय बन जाएगा तो फिर जो है ना वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की तुम्हें क्षमता नहीं, आनंद के अलावा अवेयरनेस भी चाहिए सर कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे भारत में, अगर देश में पैदा हुआ है, देखो भारत क्या है, देखो मेरा ये कहना है कि जिम्मेवार चीजें जो है रिजल्ट और इनपुट और आउटपुट से कंट्रोल, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप अपने हाथ में आग लेंगे तो आपका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, तो आपके जैसे मान लो जो आप एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं वो, तो इसको पॉलिटिशियंस क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको वोट बैंक, वोट बैंक वही तो मेन समस्या, तो नहीं कोई समस्या नहीं, हमारा कहना है कि 200 ज्यादा यदि जो बच्चे पैदा कर देगा वो दो व्यक्ति को जो है ना 10 साल का वोटिंग राइट जो है ना उसका कॉन्सिफिकेट हो जाएगा, परमानेंटली नहीं कहेंगे बिकॉज ही इज सिटीजन, राइट, नंबर वन। नंबर टू जो है ना, चूंकि उसकी आईडी में जुड़ जाएगा कि आपके 200 ज्यादा बच्चे हैं, तो आपको हर चीज में जो है ना 10% एक्स्ट्रा पैसा लगेगा,
आप 10 में चढ़ा रहे हैं तो 10% एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, क्योंकि आपके बिना आईडी के आप कोई चीज खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी आप खरीदेंगे चूंकि वो आपका वो जोड़ेगा और 10% जो है ना फैमिली फैमिली सेस करके लगा देगा जी। आप जो है सपने में मैं उठ के देखेंगे, अरे मेरा बच्चा और आए क्या, अरे भैया इसका अवॉर्ड सभी कराओ, अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो यदि वो हर दिन, यदि इसी यही बात हम जो है ना वोटिंग के बारे में भी कह रहे हैं, जैसे अज्यूम करिए कि आपने वोटिंग नहीं किया, नाउ द बाय द वोटिंग शुड बी डन फ्रॉम द प्रेजेंट फिजिकल सिस्टम। जब आप बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम ऐप के माध्यम से मच सुपीरियर जो है ना सिस्टम क्यों नहीं ला सकते हैं, जिसको हमने कहा है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन। तो हम आपको वन टू वन बात क्यों करना चाहते हैं, मैं जो है यदि आपका एमएलए या एमपी बनूंगा तो वेदर आई एम देयर टू सेटिस्फाई गोविंद जी और आई एम सेटिस्फाई ऑल पर्सन ऑफ माय कंस्टिट्यूएंसी, राइट। तो आई एम देयर टू सेटिस्फाई कलेक्टिवली द ऑल पर्सन ऑफ माय कंस्टिट्यूएंसी, तो आप वन टू वन बात क्यों करना चाहते हैं, आप जो भी बात कहिए वो रिकॉर्डेड में कहिए, राइट। आपके जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये टीम जो है आपके जो प्रॉमिसिंग वाले पॉइंट है उनको निकालेगा, फिर आपसे कहेगा कि देखो आपने इतनी बातें कही हुई हैं, वो भी इलेक्शन के पहले, राइट। देन हमसे कहेगा कि आप मुझे बताइए हाउ यू विल बी इसको ग्राउंड पे कैसे उतारेंगे आप, राइट। एंड देन उस चीज को मिला के आपकी एक वीडियो क्लिप कन्वर्ट कर दी जाएगी, और वोट देने के पहले आपको वो पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, राइट। तो पहले वो देखा कि आपने क्लिप देख ली तो दान एक एलिजिबिलिटी हो गई कि हाँ अब आप वोट देने के लिए एलिजिबल है, फिर वो करेगा कि आप जो है फिजिकल सेंसेस में है कि नहीं है, आप लेकर लेकर के प्रभाव में तो नहीं है, राइट। तो आजकल कितने सारी चीजें होती हैं कि वो कैप्चा एप्चा, राइट। तो ऐसे फंडे उसमें डाल दिए जाएंगे विच विल मेक इट श्योर दैट यू आर इन सेंसेस एंड आप किसी इन्फ्लुएंस में नहीं है, राइट। तो वो आपको सेकंड एलिजिबिलिटी, ऐसे थर्ड एलिजिबिलिटी वी कैन डिलीवरेट एंड कैन से कि ये चीजें अपन को करना चाहिए, देन इट विल से ग्रीन सिग्नल, यस नाउ यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट कर दीजिए। और यदि आपने वोट नहीं किया, राइट, तो इट विल गो एज ए पॉइंटर एंड योर बायोडाटा कि आने वाले समय में आपको हर चीज में 10% ज्यादा देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम लाइन में भी लगा के वोटिंग कराएंगे तो लोग पुलिस के डंडे के बाद भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, तो उन्हें मालूम है कि आने वाले 5 साल तक मुझे जो है 10% हर चीज में ज्यादा लगेगा, तो पुलिस डंडे मार के भी उन्हें नहीं भगा पाएगी। आज आप अनाउंसमेंट करने के बाद भी उनको पूर्ण बूथ पर नहीं ले जा पा रहे। एग्री विथ मी, बिल्कुल। पर ये हमारा इन्फोर्समेंट का सोच और तरीका यदि हम अलग कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, आज का नेता ये सब बातें नहीं कर सकता क्योंकि उसे लगता है कि हम ये बातें भी करेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा, राइट। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों को एज ए डूएबल्स में हमको लाना पड़ेगा। अभी तो स्थिति यह है कि कोई अपने आप को सक्षम ही नहीं पा रहा है, कोर्ट अपने आप को सक्षम नहीं मान रही, नेता अपने आप को सक्षम नहीं मान रही, पब्लिक अपने आप को सक्षम नहीं मान रही, तो सब अक्षम हो गए हैं। अरे कोई तो कहे कि हाँ मैं करूंगा इसको। आपको एक और बंदे से मिलाऊंगा जो मोदी जी से मिलने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, वो वक्त है, वो सचिन करके है। अच्छा, और कोई लोग उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ इस टाइप की होगी कुछ जरूर। नहीं, मेरा क्योंकि वो मोदी जी से क्यों मिलना चाहता है। देखिए, वो आप मोदी से मिलिए, आपका पर्सनल अफेयर है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब उनके माध्यम से वो कुछ करना चाहता है परिवर्तन के लिए। आप ख्याली पुलाव की बात मत करिए, हमें उन तपस्वियों की जरूरत है जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऑलरेडी चाहे छोटे मॉडल के रूप में किया है, उनकी बात, ठीक है ना। यदि आपके पास एक प्रपोजल है देन यू कैन इवन प्रेजेंट योर प्रपोजल ऑल्सो, राइट। मतलब आपको मौका नहीं मिला बट यू फील इट इज ए माइंड ब्लोइंग। अल्टीमेटली सीएफबी में भी तो आप यही कर रहे हैं ना। सही बात है, सीएफबी में आप कह रहे हैं कि दिस आइडिया विच विल चेंज योर लाइफ। तो यदि किसी के पास ऐसा लाइफ चेंजिंग फार्मूला है तो वो कहेगा कि साहब मेरे पास सिर्फ फार्मूला है, आई विल मेक ए प्रेजेंटेशन, किस ढंग से काम करें, वी आर रेडी टू लिसन हिम, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम सीएफबी के लार्जर कंट्रोल में उसे कैसे प्रो के जमीन पे उतारेंगे यदि वो अच्छा है तो, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनका जीवन तपस्या है, उन्होंने लिमिटेड वे में लिमिटेड एरिया में बहुत सारा कुछ किया है, राइट। अब जो लिमिटेड वे में लिमिटेड एरिया में किया है
उसी को क्या हम अपने सीएफबी मॉड्यूल में इंटीग्रेट करके आम जन को परोस सकते हैं, राइट? और आम जन को केवल आउटपुट के तौर पे नहीं, उसका जो आउटपुट है कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एंड क्रिएट ए रीच टू द कंज्यूमर। जी, एक बार आप कमल टावरी जी का जो बड़ा ग्रुप बहुत बना हुआ है, वो कमल टावरी जी हमसे जुड़े हुए हैं, शुभ लाभ जो करते रहते हैं वो। हाँ, कमल टावरी जी आईएएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के अदालत के। जी, आई नो हिम। अच्छा, तो उनके उनके ग्रुप में एक बार प्रोग्राम करवाइए अपना, उनके ग्रुप में बहुत अच्छे टेक्निकल लोग बोले हैं कुछ कुछ कर। मैं अधिकांश लोगों से उसमें जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना? अच्छा, तो वो कोई इशू नहीं है, और इसमें तो सभी को साथ में लेना पड़ेगा। जी, देखो इसमें अकेला पंचगव्य और उससे अकेला काम नहीं चलेगा। हाँ, बराबर। हमें सब चीजों को सूची बना के सब करना होगा, मतलब वट एवर इज द पॉसिबिलिटीज दैट शुड बी डन, राइट? मतलब वो आप गांव के कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अभी हमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो करना है, हमें जो एक्वा कल्चर के लिए करना है। अब मुझे तो नहीं मालूम है कि कौन कौन से प्लांट्स जो है ना, दे कैन एक्सट्रैक्ट एक्वा प्लांट्स, दे कैन एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनवायरमेंट, बट देयर आर प्लांट्स, राइट? तो यदि हम उन प्लांट्स को यूज करके उन एक्वा प्लांट्स में हम यदि सूर्य से डायरेक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एयर से डायरेक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर हम उसको खाद में मिला देते हैं, तो उस फर्टिलाइजर की कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी? बिल्कुल, हमें हमें इस ढंग से उसको सोचना पड़ेगा। जैसे जो राइजोम या लेग्यूम प्लांट्स हैं, जैसे जो पल्सेस हैं, वो एयर से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपने उस लेग्यूम्स के माध्यम से, जो गांठें होती हैं जड़ों में, उसके माध्यम से वो सॉइल में ट्रांसफर करता है, राइट? नाउ अपन को पल्स अकेला मालूम है, देयर मे बी 110 सच प्लांट्स जो हमें नहीं मालूम है बिकॉज ऑफ अवर लिमिटेड नॉलेज। क्या जिन लोगों को मालूम है उनसे सूची बना के कैन बी इंटीग्रेट अवर लिस्ट? हो सकता है कोई विंटर में होता हो, कोई रेनी सीजन में होता हो, कोई उसमें होता हो, तो राउंड द क्लॉक हम जो है ना अपनी सॉइल को एनरिच कर पाएंगे। तो ये मानने का, देखिए मैं अपने आप को जीरो ज्ञान का मानता हूं, लेकिन मैं अपनी जो भूमिका देख रहा हूं वो इंटीग्रेटर की भूमिका देख रहा हूं। यदि गोविंद जी के पास जो नॉलेज है, क्या हम उसको असिमुलेट करके सीएफबी मॉड्यूल के थ्रू ग्राउंड में सर्विस और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्किल डेवलपमेंट? सो मैं जो है ना जो भूमिका निभाना चाहता हूं वो ऑलमोस्ट जो है ना कॉस्मिक वाली है कि भैया तो आपकी जितनी समस्याएं वो हमारी हैं और लाभ पूरे आपके हैं। आपने समुद्र मंथन में विष भी पैदा किया और अमृत भी पैदा किया, अमृत आप ले जाओ, जहर को हम जो है ना अपने कंठ में धारण करेंगे, हमारे शिव जी जो है ना उसको अपने कंठ में धारण करेंगे, और उस जहर की संख्या ऐसे से जो ना किया जाए कि वो शिव जी भी उसको जो है ना असिमुलेट करने की क्षमता रखे। मतलब यदि वो उसको कंठ तक धारण करेंगे तभी वो काम बनेगा, क्योंकि शंकर जी ने भी उस जहर को नीचे नहीं जाने, राइट? तो यदि जहर इतना ज्यादा हो जाएगा कि नीचे उतर जाएगा तो शायद शंकर जी को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है ना? जी। तो इसकी सूची बनाओ आप, मेरे ख्याल से लेट्स गो लिटिल मेथोडोलॉजिकली, है ना? और लीना जी का भी नंबर तो मेरे पास है। देखो लीना जी को एक आदत बनाना पड़ेगी कि अब एक कैमरा हटा दीजिए, ये नहीं करना है। हमारा ये कहना है कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो ओपन कहेंगे, और जिस चीज को हम रिकॉर्ड पे नहीं कह सकते हम उस चीज को कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो फिर गॉसिप की कैटेगरी में आता है। गॉसिप, तो हम गॉसिप क्यों करें? या तो हम ऑथेंटिक रिकॉर्ड में बात करें, अदरवाइज हम उस बात में अपना समय बर्बाद ना करें। और जो उन्होंने कर लिया है उसकी वीडियो क्लिप्स, उससे क्या क्या हासिल हुआ है, राइट? एंड देन वी कैन लुक इनटू कि हाउ इसको हम, वो अकेला ट्राइबल एरिया में क्यों होना चाहिए, वो लार्जर एरिया में क्यों नहीं होना चाहिए? और इसमें जो है हम लोगों को ऑप्शन क्रिएट करें, राइट? जैसे हम उनसे कहें कि नहीं जमीन पे बैठ के खाइए, वो जमीन पे बैठ के नहीं खाएगा, राइट? उसको लगता है कि हम तो फिर जो है ना गमार हो जाएंगे। लेकिन यदि हम ऐसा फर्नीचर क्रिएट कर दें जो कि आपके ड्राइंग रूम की एलिगेंस बढ़ाए, जो थोड़ा सा लो हाइट का हो जिससे आपकी पालथी मारना भी हो जाए,
आपकी थाली जो है ना टेबल की जगह उतनी ऊंची होने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद ही नीचे बिराज रहे हैं, तो आपकी टेबल की जो है ना इट विल बी लिटिल अबव यू सो दैट आप बैठ के कंफर्टेबली खा सकें। नाउ यदि आप एलिगेंट वे में इसे क्रिएट कर लेंगे तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी दोनों रहेंगे। इसका मतलब है कि ज्ञान अकेले से काम नहीं चलेगा, ज्ञान को आप तक जो है प्रैक्टिकल अप्लाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा, अप्लाइड फॉर्म में अलॉन्ग विथ एडिंग द एलिगेंस टू योर लाइफ स्टाइल। मतलब जो आपका एक जो एक नेगेटिव सेंस है कि अरे साहब हम जो है देखिए, जैसे अज्यूम करिए कि जो धोती पहनते हैं इसके लिए बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि जो स्टिच का पॉइंट है दैट बिकम स्टिचिंग जो का जो डॉट्स हैं दैट बिकम्स द अक्यूमुलेशन ऑफ वर्म्स एंड डर्ट, राइट। तो जिसमें कोई सिलाई नहीं होगी उसमें वो जगह ही अवेलेबल नहीं है जहां पर हम ग्रोथ करें, राइट। तो अब जो है इसी चीज को हम ढेर सारे जो है फैशन स्टाइल में क्यों नहीं ला सकते हैं, साड़ी एक ही तरीके से क्यों पहनी जाएगी। अब ये देखिए कितने कितने जो ना स्टाइल में आपके जो बहुत ही एडवांस जो है जो फैशन वो है उनको अपन रैप के माध्यम से भी क्रिएट कर सकते हैं जी। तो हमें उस फैशन में वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाना पड़ेगा जिससे जो उसको यूज कर रहा है उसके जो मॉडर्निटी का जो फीलिंग है उसको हम ना दबाएं। मतलब लेट्स नॉट गो बैक इन टाइम, हम जो है जो उस ज्ञान को जो है आज के परपेक्ष में थोड़ा सा मॉडिफाई करके आज के टाइम और उसके हिसाब से उसे मॉडिफाई करें, क्योंकि जो ज्ञान और उसका एप्लीकेशन है इट कैन नॉट बी टाइम एंड स्पेस न्यूट्रल। तो वो नॉलेज को हम सुटेबली मॉडिफाई करें विदाउट लूजिंग दिस एसेंस। मतलब उसका जो मुझे राजेश गुप्ता जी साहब की है बातचीत, राजेश तो राजेश गुप्ता जो हमारे आईपीएस ऑफिसर है, आई नो हिम। अच्छा अच्छा, आई नो हिम, आई नो वो भी बरखेड़ा के अंदर कुछ इसलिए काफी कुछ। हाँ, आई हैव सीन अभी पालीवाल जी रिटायर्ड हो गए इनकम टैक्स से, गांधीवादी, तो वो अब उनको भी मैं जानता हूँ, उनको पालीवाल जी को हम जानते हैं, बल्कि एक ग्रुप में हम लोग साथ में भी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एक गांव को अडॉप्ट करेंगे तो और उस पर जो है ना आप एक साल लगाएंगे तो कितने साल चाहिए आपको। आपको अपना मॉडल जो है माइक्रो अलोंग विद द मैक्रो होना चाहिए, जिससे कि लोग बाग लिमिटेड समय में उसका लाभ ले पाए। आप एक गांव से काम नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, उस गांव में भी आप जो है ना उसके अच्छे लोगों से जो है ना वो है, उसमें एक दुष्ट आ गया तो उसने साला जो है ना विघ्न फैला दिया। और हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस ने तो गांव में जो है ना झगड़े पैदा करा दिए, गांव में दबाव पहुंचा दिए, गांव को जो है ना पॉलिटिकल पार्टी लाइन पे उनको बांट दिया है सिर्फ उनके लिए अपना कैडर क्रिएट करने के लिए। तो उन्हें तो अपना कैडर क्रिएट करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें जो है ना गांव की हारमोनी और पीस थोड़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। मतलब डू यू एग्री विथ मी? बराबर। आप ये बताइए हमारे लोकल वो जो चुनाव है वो पार्टी के सिंबल पे क्यों होना चाहिए? सही बात। मतलब इसका मतलब है कि यू हैव क्रिएटेड पार्टी देयर, पार्टी होगी तो जो है ना वो जो है ना अपने नेता के प्रति एलिगेंस लेंगे, वो इसी बात पर लड़ेंगे कि तुम्हारा नेता ने अच्छा किया किसी ने गलत किया। तो हम जो है ना एक लड़ने का मुद्दा और गांव में पहुंचा दिए, हमने जो है ना दारू पहुंचा दी तो जो है ना उसके चरित्र खराब करने का हमने मौका पहुंचा दिया उसको। और हमने जो है उसमें एक डेलिकेसी नहीं जोड़ी। जैसे अज्यूम करिए कि देवता भी जो है ना सोमपान करते थे, लेकिन दैट शुड हैव बीन ए कंट्रोल फॉर योर हेल्थ पर्पज। तो यदि हम उसको इस ढंग से प्रोन कि कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज नॉट बैड बट इट हैज टू बी लिमिटेड रेगुलेटेड एंड एज पर योर हेल्थ रिक्वायरमेंट, इट शुड नॉट लीड टू एडिक्शन। लेकिन इसके लिए भी आपको कोई ना कोई एक फॉर्मूला और एक तरीका निकालना पड़ेगा और उसे कल्चर और वैल्यू सिस्टम में लाना पड़ेगा। बराबर। एंड दैट इट शुड ऐड टू योर लॉन्गिटिविटी, इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय द पर्सपेक्टिव कि कितनी दारू बिकेगी और ठेकेदार को क्या फायदा होगा। गोविंद जी मुझे नहीं मालूम है कि हाउ मच सेंस आई एम मेकिंग टू यू। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया सारी चीजें। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब इसको वर्किंगबिलिटी में आने के लिए अपने को क्या करना है, बस उसी पे अपन फोकस। बड़ा सिंपल सा काम है, देखिए हर व्यक्ति को अलग अलग काम करना है, ठीक है ना। जैसे अज्यूम करिए कि जो ओपिनियन लीडर बनेगा वो सीएफबी डेवलपमेंट ऑफिसर का काम करेगा, राइट। एज अ सीएफबी डेवलपमेंट ऑफिसर भी स्पेशलाइज होंगे,
एक जो जो किसानों से बातचीत करने वाला है वो किसानों के टाइप का रहेगा, राइट। जो जो इंडस्ट्रीज से बात कर रहा है, एग्रो इंडस्ट्रीज से बात कर रहा है, राइट, वो उसको उसको नॉलेज और उसका तरीका और परोसना वो अलग रहेगा उसका। उसे उस इंडस्ट्रीज को बताना पड़ेगा कि हाउ आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग जो आपका आउटपुट है उसे बेचने के लिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा, हमारा सिस्टम विल डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की नीड तो है, तो वो नीड हम जो है ना अपने सीएफबी मॉड्यूल, अपने ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल के थ्रू जाना वहां पहुंचा देंगे जहां उसे पहुंचना है। तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट जीरो हो गई है, आपको जो चीज चाहिए वो चीज भी जहां से भी बेस्ट अवेलेबल हो सकती है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल से आपके दरवाजे पे पहुंचा देंगे। तो अब आपका जो फोकस है ना, आपको धन की चिंता करना है, ना आपको रॉ मटेरियल की चिंता करना है, ना आपको स्किल्ड मैन पावर की चिंता करना है, अब आपको आउटपुट पे अकेला फोकस करना है, क्योंकि आउटपुट निकलने के बाद उसके जो है ना कैसे मार्केट होगा, कहां पहुंचेगा, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। क्योंकि जो आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कंजम्पशन तो उससे ज्यादा अवेलेबल है ना, राइट। सो सीएफबी का मॉड्यूल एंड सीएफबी की टेक्नोलॉजी विल असाइन के कहां उसको भेजना है। यदि फ्लिपकार्ट जैसे जो है ना छोटे छोटे व्यक्ति जो है ना इतना काम कर सकते हैं, वाई वी कैन नॉट डू दैट इंटीग्रेशन, इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ ये जो चाहे जो कहते हैं कौन सी स्कूब जी और जो दीज आर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो डिमांड को और प्रोड्यूसर को मिला दे रहे हैं। एक होटल है और एक किसी को खाना चाहिए, बीच में जो है ना एक ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म जोड़ दिए है, आप जो है ना क्लिक ऑफ बटन पे जो है ना ऑर्डर दे सकते हैं, वो आपको हॉट केस में आपके पास पहुंचा दे रहा है, आपके स्टाइल में उसको पहुंचा दे रहा है। सो इट मीन्स वन इको सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड, वन होल सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड, जिसके थ्रू हमने वर्केबल मॉडल दे दिया है। तो ऐसी हर चीज के लिए वर्केबल मॉडल क्रिएट करना इज वन ऑफ द सीएफबी प्रायोरिटी। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टूल्स, मशीन, और उसमें हमें सबसे बड़ी चीज है कि आपकी नेगेटिविटी उसमें कहीं इन्फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि हम में से जिसको भी कुछ गड़बड़ करने का मौका मिलता है हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में वो गड़बड़ करना चाहते हैं। आज वही ईमानदार है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिल रहा है, राइट। तो हम वो बेईमानी करने का मौका को कम कर दें ना, क्या क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही। और वो कैसे संभव होगा? दैट इज ओनली पॉसिबल नॉट बाय पुटिंग द सुपरवाइजर बट बाय हैविंग द एन नंबर ऑफ द डिवाइसेस टू कैप्चर इट। देखो जैसे मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं कि अभी इतने सारे जो है ना सेंसर्स आ गए हैं, आईओटी डिवाइस आ गए हैं, क्या क्या जो है एक्सीडेंट करना संभव होगा? है क्या? नहीं है। आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा है, आपकी गाड़ी तभी स्टार्ट होगी जब वो आपको कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो है ना उसको आप वो करेंगे, ड्राइविंग आपको जो है ना ड्राइविंग लेसन को एक्सेप्ट करने के पहले आपके ऊपर लगा हुआ कैमरा आपके फोटो का मिलान करेगा, अदरवाइज कहेगा मिसमैच विद द ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। नाउ आपको जो ना गाड़ी स्टार्ट करने के पहले आपका जो अल्कोहल है आपको एक पफ देना पड़ेगा, और आपने पफ दिया इट विल, और आप अल्कोहल के कंजम्पशन में है तो उसने आपकी आइडेंटिटी वगैरह पहले से ही ले ली है। इट विल क्रिएट एन ऑफेंस, योर अटेम्प्ट टू ड्राइव ए व्हीकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द लिकर, और वो जो है ना आपका चालान बन के आपके घर पे पहुंच जाएगा। अब बताओ जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो संभव होंगी क्या? यदि हम ये कहते हैं कि आपके इंटर व्हीकल में डिस्टेंस जो है ना 2 मीटर का होना चाहिए और जीपीएस से हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, जैसे ही आपने जो है ना उसको वायलेट किया, उसने उसका जो है ना फोटो क्रिएट किया और आपको प्रोसिक्यूट कर दिया, क्या आप ऐसा नेगेटिव वो कर पाएंगे क्या? आज हमने सशक्त जो है एजुकेशन मैकेनिज्म पैदा नहीं की है, इसलिए सब गड़बड़ियां हो रही हैं। और हमारे जो लोग जिनकी जिम्मेवारी है वो सशक्त मैकेनिज्म पैदा करना, वो उसको ढुलपुल करके जो है ना उससे लाभ ले रहे हैं तो वो उसको वैसे ही करना चाहते हैं। आप ये बताइए इतने सारे कमीशंस और कमेटीज बनी हैं पुलिस रिफॉर्म की, एक भी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई है? क्यों? क्योंकि यू डोंट वॉन्ट इफिशियंट पुलिस। इफिशियंट पुलिस से तो डर लगता है क्योंकि वो आपको भी पकड़ेगा ना। अभी जो है ना कल परसों जो है ना मिस्टर अनूप स्वरूप जी बता रहे थे कि प्रीमियर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द पुलिस फॉर स्मॉल थिंग, बेल्ट वेल्ट या कुछ छोटी मोटी कोई चीज पे जो है ना शायद, या मास्क नहीं लगाया था, मतलब सब फॉर वेरी स्मॉल थिंग ही वाज प्रोसिक्यूटेड, कुछ $300-400 का जो है ना उसको प्रोसिक्यूशन हुआ। नॉट दैट काइंड ऑफ द मशीनरी इज रिक्वायर्ड जो विदाउट बॉदरिंग फॉर योर स्टेटस, इफ देयर इज अ वायलेशन इट विल बी कैप्चर्ड विद द सर्टेनिटी एंड यू विल बी जो है ना प्रोसिक्यूटेड विद सर्टेनिटी। अभी क्या होता है कि जो गड़बड़ होता है वो कहता कह रहे हैं जानते नहीं मेरे डीजी साहब से संबंध है, वो फोन करके कहता है जो बात कर लीजिए इनसे,
नाउ जो है ना डीजी साहब उसको बताएं कि भाई साहब आपने कानून का वायलेशन किया है, आप पैसा जमा करो। तो हो सकता है टेम्परेरली उसको बुरा लगे, अरे साहब हमारे तो इनसे बड़े संबंध थे, हम तो सोच रहे थे हमारी मदद करेंगे, लेकिन इट विल बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन। नहीं बिल्कुल, मतलब आई होप के यू आर इन एग्रीमेंट विथ मी व्हाट आई एम सेइंग। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। तो हम सशक्त मैकेनिज्म जो है ना पैदा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी समस्या है। देखिए मैं बहुत जोर से मानता हूं कि जो साइबर क्राइम आपके यहां सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने सशक्त मैकेनिज्म पैदा नहीं की। देखिए कोई भी साइबर क्रिमिनल कम से कम मछलियों को पकड़ने, जैसे हम साइबर क्राइम को हमेशा मछलियों के पकड़ने से जो है ना जोड़ते हैं कि वो जो है मछलियों को पकड़ने के लिए आप एक लंबा जाल खींचते हैं जब कुछ मछली फंसती है, राइट। ऐसे ही साइबर क्रिमिनल जो है ना बड़ा लंबा जाल फेंकता है, चाहे वो SMS कर रहा हो, चाहे वो टेलीफोन कर रहा हो, चाहे वो फेक लिंक भेज रहा हो, व्हाटएवर ही इज डूइंग टू ए बिगर नंबर, राइट। और उसका वो कृत अपने आप में जो है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यदि हम उन सबको जो है ना कॉग्निजेंस अकेला ले लें पहले, राइट, और चूंकि यू आर डूइंग डिजिटली योर आइडेंटिटी कैन बी कैप्चर्ड इन नो टाइम, राइट। बल्कि हम ऐसे मॉड्यूल बना सकते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल बना सकते हैं कि बिना आइडेंटिटी यदि आपकी कैप्चर नहीं हुई है तो वो आपको जो है ना साइबर स्पेस में ही नहीं घुसने देगा, राइट। मतलब साइबर स्पेस में आप तभी घुस पाएंगे व्हेन देयर इज ए आइडेंटिटी कि यू आर मिस्टर गोविंद, आपका अकाउंट नंबर ये है, आप यहाँ रहने वाले हो, इस समय आपकी लोकेशन यहाँ है, राइट। यदि इफ एनीथिंग इज सस्पिशियस इट विल नॉट अलाउ टू इंटर इन द साइबर स्पेस। अब ये बताइए यदि आप सर्टेनिटी से कॉग्निजेंस ले लें और वो इविडेंस सर्टेनिटी से विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड और आप उसी दिन उसका चालान कर दें तो वेदर देर वुड बी एनी इंसेंटिव टू कमिट साइबर क्राइम। बिल्कुल, अभी साइबर क्राइम में आप क्रिमिनल आपको जो है ना लूट लिया जा रहा है और आपकी कोई FIR नहीं लिख रहा है, सो देर इज अ लॉट ऑफ इंसेंटिव टू कमिट साइबर क्राइम। अदरवाइज डूइंग साइबर क्राइम इज नॉट एन ऑप्शन। हमें इसी फॉर्मेट में चीजों को ले जाना पड़ेगा, है ठीक है ना। तो गोविंद जी इस वार्तालाप को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। अब इसको अपन समराइज कर लेते हैं। एक तो लीना जी को जो है ना आप कहें कि वो इसी में डिस्कस विथ मी कि उन्हें कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है ना। देन वी विल डिस्कस के उनकी जो चीज है हम उसको मैक्रो लेवल पे कैसे एक्सपांड करें, और उन्हें वो ये ना कहें करें सोचें कि हमें करना है, राइट। वो ये सोचें कि हम तो एनर्जी का सूत्रपात कर रहे हैं, लेट इट बी लोडेड ऑन द लार्जर मॉडल जहां पे कि इंडिविजुअल्स एफर्ट्स मिनिमाइज हो जाएंगे। आप उस कॉन्सेप्ट को फर्दर इंप्रूव करने में अपनी एनर्जी लगाइए। आपने जो है ना वेद पढ़े हुए हैं, आपने संस्कृत पढ़ी हुई है, आप उस नॉलेज को वर्केबल फॉर्म में लाइए। तो हर किसी व्यक्ति को वेद पढ़ के नॉलेज जो है ना सिमुलेट करने की बजाय जिसको हर चीज आती है और जो उसकी समझ ज्यादा है वो उस नॉलेज को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। मतलब यदि हम हिंदी में समझते तो हिंदी में कर दे, यदि हम अंग्रेजी में समझते तो अंग्रेजी में कर दे, कोई उर्दू में समझता तो उर्दू में कर दे, कोई तेलुगु में समझता तो तेलुगु में हो जाए, राइट। देन जो है ना उसको हम मैक्रो मॉडल में ग्राउंड पे उतार दें, क्योंकि माइक्रो मॉडल में करोगे तो माइक्रो मॉडल में एफर्ट्स ज्यादा लगेगा और आपको कन्विंस करने में बहुत दिक्कत होगी और आपके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे टू कनेक्टेड विद द कंज्यूमर ग्रुप। तो एक भाई जो है ना अमेजन इज सक्सेसफुल बिकॉज उसके उसने एक पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, जिसमें उसने जो प्रोड्यूसर है उसको असिमुलेट कर लिया, कंज्यूमर को असिमुलेट कर लिया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बना ली, उसकी जो चिंताएं हैं उसको भी एड्रेस कर लिया उसने कि आपको 10 दिन तक जो है ना आप वापिस कर सकते हैं। यदि आप वापिस करते हैं तो वो किसके खाते में जा रहा है, प्रोड्यूसर के, और वो प्रोड्यूसर से कोई पेनल्टी भी लेता होगा इस बात की। अच्छा, कि आपने खराब चीज क्यों दी भाई, क्योंकि दैट विल बी द टाइप ऑफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट विच अमेजन वुड लाइक टू इंटर विद द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के बिहेवियर में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसे मालूम है कि हम खराब चीज भेजेंगे 2 दिन में वापस आ जाएगी, व्हाट अबाउट द कॉस्ट एसोसिएटेड विल कम ऑन मी, देयर विल बी लॉस ऑफ जाना फेथ, जो हमारे कमेंट्स होंगे वो नेगेटिव कमेंट्स आ जाएंगे तो हम कल कोई चीज बेच ही नहीं पाएंगे। यदि हर कोई रिस्पॉन्सिबल हो जाए, राइट, और अपने प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे, इंक्लूडिंग इफ एनीथिंग नेगेटिव, एंड देन यू कैन से साहब आप इस चीज को देख लीजिए, इसमें ये चीजें हैं और हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देन इट विल बी ए मच मोर स्ट्रांग फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम।
टीएफ भी उसी इकोसिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने अपराध की बात अलग कही, एग्रो की बात अलग कही, आयुष की बात अलग कही, उसने फिर ई कॉमर्स की बात अलग कही, इस तरीके के इंफोटेनमेंट की बात अलग कही, बिकॉज व्हाट इट इज सेइंग कि गैप्स बहुत है। हम जो है ना सामने वाले को कहेंगे तो उसे तो पोर्नोग्राफी बनाना है, उसे तो सीरियल में डबाउज करेक्टर ही पेश करना है, तो हम उसे कन्विंस करने के बजाय हम अपनी लाइन को बड़ा करके बड़ा प्रोडक्ट जो है ना क्रिएट क्यों ना करते। और उस प्रोडक्ट की मांग है, रामायण को देखने के लिए यदि कर्फ्यू लगता है इसका मतलब है कि हमारा एसेंशियल जो सोच है वो अच्छी चीजों के लिए है, राइट जी। अच्छा, कुछ चूंकि चारों तरफ जो है ना नेगेटिव चीजें जा रही हैं और उसी की चर्चा हो रही है तो वो कई थोड़ा बहुत वैल्यू डिस्टॉर्शन और फैशन में भी आ गया है। जब आप अच्छी चीजों की बाहुल्यता कर देंगे तो ये जो नेगेटिव चीजें हुई हैं वो अपने आप विलोपित हो जाएंगी। जैसा हम कह रहे हैं कि कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज अपने आप विलोपित हो जाएंगी क्योंकि उनके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं दे आर द केमिकल्स, दे आर हार्मोन्स, दे आर द नेगेटिव एक्टिविटी। यदि हम ग्राउंड से उन नेगेटिव एक्टिविटी को विलोपित कर देंगे तो उसके पॉजिटिव फैक्टर ही नहीं रहेंगे तो कैंसर कहां के लिए रहेगा। आई होप यू आर इन एग्रीमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इस बात को यहां कंक्लूड करते हैं। आप सूची बनाइए और फिर एक एक करके आप हमको जो है ना उसको शेयर कर लीजिए मुझसे नाम और ईमेल आईडी के साथ, एंड देन वी विल से, पहले आप उसको अपने इंडिविजुअल लेवल पे ब्रीफ कर दीजिए, देन वी विल हैव ए रिकॉर्डेड मीटिंग, एंड देन एक मीटिंग के बाद हम उनसे कहेंगे वो अपने काम का प्रेजेंटेशन बनाए, दैट प्रेजेंटेशन विल आल्सो बी दैट रिकॉर्डेड रहेगा, इट विल बी अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत, और जहां पे मुझे लगेगा आई विल पर्सनली आल्सो गो एंड विजिट दैट प्लेस। ठीक है, बिल्कुल। तो राइट गोविंद जी, थैंक यू वेरी मच, आप इस एज में इतने एक्टिव हैं और इतने क्रियाशील हैं। मैंने तो कहा ना, मेरे तो वो जो मेरे गुरुदेव की जो लाइन है उसी ने मुझे एक्टिव किया है, बस वो आपको और ज्यादा एनर्जी देगा। और मैं तो ये कहूंगा कि मातृशक्ति दे रही है, दूसरा उन्होंने उसके माध्यम से कह दिया मैसेज कि मातृशक्ति को सम्मान की जरूरत है, वही ऋषि संतान देगी भारत को, तो वो जो है मातृशक्ति को सम्मान करें, उसको अपने रोल के लिए तैयार करें। वेरी बिग बेसिक, क्योंकि आचार्य श्रीराम शर्मा जी भी लेके 21वीं सदी मातृशक्ति की होगी, आप बिल्कुल परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ नारी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसलिए जो है भारतीय सभ्यता में नारी शक्ति को सबसे वो किया गया, उसको दुर्गा से लेके हर उसमें पूजा गया है, राइट। आज अभी अपना जो है ना ये नवमी चल रही है, नवरात्रि को आप स्टडी, नवरात्रि पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से किस ढंग से बनाई गई है, दो सीजन चेंज होते हैं हमारे, वो दोनों सीजन के अंदर नवरात्रि करके क्या आपको वो सारी औषधि और वो सब चीजों देने का सारा सिस्टम बनाया हुआ व्रत के माध्यम से, नहीं उससे ज्यादा जो है नारी का सम्मान, नारी की शक्ति, जो आप मातृशक्ति बात कर रहे हैं, इट इज उसकी पूजा है। ये तो हमारे हमारे धर्म का, हमारे सनातन ज्ञान का जो है ना हिस्सा है जी। ये तो जो है ना अज्ञानता विदेशी है कि वहां पर जो है ना उनको वोट नहीं देने देते थे, ये नहीं करने देते थे, इंडिया में तो ऐसा नहीं था पहले। और ये जो डिस्टॉर्शन आया है, चाहे वो नेगेटिव प्रथाएं हो, इट हैज कम लार्जली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, चाहे वो मुगलों का हो, चाहे वो अंग्रेजों का हो, चाहे वो पुर्तगालीज का हो, हमारी पॉजिटिव चीज विलुप्त हो गई है और हमारी पॉजिटिव चीजों को गाली देके इन्फीरियर बताया गया, जबकि साइंटिफिकली उससे सुपीरियर कोई चीज ही नहीं थी, बराबर। और धीरे धीरे लोगबाग इसके लिए बाध्य भी हो रहे हैं। देखिए आज अब एडवर्टाइजमेंट उनको कहना पड़ रहा है इसमें हल्दी है, इसमें नमक है, इसमें एलोवेरा है, तो कहीं ना कहीं तो वो मजबूर हो रहे हैं। चलिए, सब करते हैं, चलिए चलिए, थैंक यू गोविंद जी, नमस्कार।